हमारे ओडिशा का विवाह मंडप में यहाँ ये 1 2 3 4 5 पंचदान के लिए, और यहाँ बनता है प्लीज अष्टादश मातृगण मंडल यहाँ पर बना। ये विवाह दीप, वो घट उधर, ब्रह्मा सावित्री का 2 नारियल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा क्लोज ले रहा हूँ। ये ब्रह्मा सावित्री का जो 2 नारियल देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मुकुट है, ये वरवधू के पास जाएगा। और ब्रह्मा सावित्री के घट को भी दिया जाता है, कोई घट बैठाता है, कोई सुपारी देता है, कोई नारियल देता है। ये हो गया। और यहाँ ये जो देख रहे हो पंचदान के 5, ये 1 2 3 4 5 6 ये दान के लिए हो गया। और हवन कुंड बनाया जाता है बेदी के ऊपर, बेदी कभी भी आप लोग नहीं बनाना, इट इज़ नॉट राइट वे, बट ठीक है, बेदी के ऊपर बेदी बना दिए हैं पंडित लोग, थोड़ा ज़्यादा पंडित हो गए हैं ना, उनको कौन समझाएगा। तो बेदी, ये बेदी हो गया, यहाँ त्रिपदी बेदी हो गया। त्रिपदी बेदी में बीच में कुंड होना चाहिए, अग्नि कुंड होना चाहिए, और बेदी के ऊपर वह द्वितीय बेदी नहीं बनना चाहिए, ये विवाह में थोड़ा सा गलत रहता है, वो यज्ञ पात्री और हवन के लिए। और यहाँ आप देखेंगे जो इतना में ही फिर कौतुक सूत्र का और ये पाताल देवता का पूजा के लिए 2 बांस का डंठल दिख रहे हैं ये, और वो अखंड दीप है। तो और हम लोग का बेदी में ये बनता है मछली का फोटो, और ये फिर ये जो झूठी झूठी टाइप इसको दिया जाता है, उसमें त्रिकोण मंडल षटकोण मंडल यहाँ पर बनते हैं। तो उड़ीसा में हमारे जो सुंदरगढ़ साइड में जो विवाह का कार्यक्रम रहता है, ये हमारे चाचा जी हैं, पंडित जी बन के आए हैं, तो यहाँ इनका विवाह कराएंगे, पाणी ग्रहण इत्यादि। तो और ये करुआ पंडित है, ये हम लोगों का जगन्नाथ जी का पूजा करने वाला। तो ये चाचा जी, प्रणाम चाचा जी। तो ये है हमारे ओडिशा का विवाह का। एटा ठीक है, बताओ ना काना काना करी छो, एटा काटा है क्या? नांदीमुखी श्राद्ध। अच्छा, ये नांदीमुखी श्राद्ध है, ये नांदी मातृगण मंडल, ये अष्टादश मातृगण मंडल, गणपत्यादि मंडल, सावित्री मंडल, आउ अखंड दीप, अखंड दीप, ठीक है। आमर ओडिशा रे बाहागर रो ये गुडा काना सीरियल टा बताओ ठीक है? प्रथम रे बाटवरण, हां बाटवरण, ठीक। तापरे बेदी रे तोर केबो गणपति आदि पंचदेवता पूजा, कलश पूजा, तापरे प्रथम वरण, द्वितीय वरण हला परे अन्यान्य पूजा, तापरे कन्यादान, लवण चामरी, ये सब कर्म गुड़ा को अमर करा जाए। तो ये जो डिटेल जो सब नाम बोलते गए, ये हमारे ओडिशा सुंदरगढ़ जिला का विवाह का ये सीरियल पद्धतियां हैं, ऐसे यहाँ पर विवाह संस्कार आदि कर्म किया जाता है।